ना भैया देखिए। गुरुजी से इसकी कुंडली बनवानी होगी। गुरुजी बच्चे की कुंडली। ये हंसी तुम्हारे चेहरे पर ऐसे ही रहेगी। ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा राघव। तुम्हें बेटी नहीं हुई है, तुम्हें शत्रु हुआ है। दोनों कभी भी किसी बात के लिए राजी नहीं हुए। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी पता है ना? तुम दोनों की भी वही कुंडली है। तुम परवरिश एक तरीके से करोगे लेकिन वो बड़ी होगी अलग तरीके से। तुम्हारी कहानी एक दूसरे के विरुद्ध होगी हमेशा। बेटी और पिता बन के ज्यादा साल साथ नहीं रह पाओगे राघव। अपनी बेटी को मैं बदल दूंगा गुरुजी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बदल पाया था क्या? तो फिर मैं बदल जाऊंगा गुरुजी। शादी के 5 साल बाद ये पैदा हुई है। हम दोनों के बीच में वैसे झगड़ा होगा भी तो क्यों गुरुजी? अगर मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा तो ही झगड़ा होगा। पर मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा ही नहीं। वो जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। देखिए इसे दिखाकर वो बोलेगी कि ये लाल रंग है तो मैं लाल ही कहूंगा। मैं अपनी तरह जीना छोड़ के उसकी तरह जीना शुरू कर दूंगा। पैदा होने तक कोख में रखने वाली को माँ कहते हैं, पर आखिर तक साथ देने वाले को पिता कहते हैं। साथ दूंगा गुरुजी। ये हंसी मैं अपने चेहरे पे जिंदगी भर ऐसे ही रखूंगा गुरुजी। देखो कैसे देख रही हो मुझे। अरे भैया आपको एमपी की सीट मिल गई। देखा ना आपकी बेटी आपके लिए कितनी शुभ है। इस बार मेरे बजाय तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं? हाँ राघव, मैं अगर एमपी बनकर व्यस्त रहूंगा और इससे बात नहीं कर पाऊंगा तो समय नहीं दे पाऊंगा तो ये हम दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। सह नहीं पाऊंगा। मुझे एमपी की कुर्सी नहीं चाहिए। लाओ इसे। मेरी बेटी के पैदा होने के समय और तारीख से लेके हर विषय में 3 अंक जिंदगी में हमेशा उसके साथ चलता रहा। उस दिन उसने आश्चर्यजनक रूप से 3 चीजें पकड़ ली। अगर रूम नंबर 3 नहीं होता तो मैं उसे स्कूल नहीं भेजता। रोल नंबर 3 नहीं होता तो क्लास नहीं जाती। रैंक नंबर 3 लाने वालों से ही फ्रेंडशिप करती। सब फर्स्ट प्राइज लाकर खुश होते थे पर मेरी बेटी। मैं दूसरी बार एमपी बन रहा हूँ वो भी आपके कारण। आज मैं, मेरा बेटा, मेरा पूरा परिवार, जो कुछ भी है आपकी वजह से। तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? क्यों बेटी छुट्टी हो गई? भैया लगता है आपकी बेटी को चोट लग गई है। जानता हूँ। तो आप उससे पूछते क्यों नहीं है? वो खुद नहीं बोलना चाहती है। अरे वो नहीं बता रही तो आप तो पूछिए। उसे चोट लगी है ये बात वो मुझे बताना नहीं चाहती तो मैं भी दिखाऊंगा कि मुझे पता नहीं है। बेटी और पिता दोनों महान है। पापा आपको कुछ बताना है। क्या है बेटा? मुझे छोटी सी चोट लग गई थी। छोटी नहीं है, बड़ी है। मरहम लगा दिया मैंने, ठीक हो जाएगा। मैंने बताया नहीं था ना, आपको कैसे पता चला? पापा हूँ ना, पता चल जाता है। मैं अपनी बेटी की किसी भी इच्छा के बीच में नहीं आता हूँ। वो दीवार पे चल रही है, ऐसे चलना नहीं चाहिए पता है, पर मैं नहीं रोकूंगा क्योंकि उसे चलना है। वैसे भी मैं अपने दोनों हाथों से उसे बचाऊंगा। उसे गिरने से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। बेटी संभल कर। अरे साहब आपकी बेटी पानी में गिर गई है। अरे शंकर बच्ची को ऊपर लेकर आओ। पद्मा बेटी, बेटी पद्मा, बेटी पद्मा, पद्मा पद्मा, बेटी पद्मा। अरे बाप रे, अब तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा।
मुझे अब से संभल के रहना होगा। बेटी दरवाजा खोलो बेटी। हाँ खोल दो बेटी। मैं नहीं खोलूंगी, आज इंजीनियरिंग का रिजल्ट आने वाला है, शायद मैं फेल हो जाऊंगी पापा, मुझे बहुत डर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट आते ही लेक्चरर को बुलाया मैंने, वो आते ही होंगे। राघवराव जी देखो वो आ भी गए। सर पास हो गई ना? सर पास नहीं हुई। अपनी बेटी के लिए अगर मुझे झूठ बोलना पड़े तो इसमें कोई गलती नहीं है। पद्दू तुम पास हो गई। पास हो गई तुम। माँ कहाँ है संदीप? अरे वहाँ पर है, उस कमरे में। साहेब इनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो गई है तो क्या आप भी इन्हें नौकरी करने के लिए यहाँ से हैदराबाद भेजेंगे? अरे नहीं, उसे भला नौकरी करने की क्या जरूरत है, वैसे भी उसे देखे बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। नॉट पॉसिबल पापा, वैसे मैं तो हैदराबाद जाकर नौकरी करूंगी। ठीक है बेटी तुम्हारी मर्जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है मैंने उसे कहा, तुम्हारी मर्जी तुम्हें कहा। कुछ नहीं, हम तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। नौकरी मिलने पर वो भी कर लूंगी पापा, वरना इतनी मेहनत से जो पढ़ाई की है वो वेस्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे बगैर रह पाएंगे या नहीं ये सोचो। हैदराबाद कब जा रही हो बेटी? कल ही पापा। पापा हा? जब मैं पैदा हुई थी तब बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करके हैदराबाद जॉब करने जाऊंगी, ऐसा कभी सोचा था आपने? ऐसा कभी नहीं बेटी। मेरी प्यारी बच्ची। आपका नाम रोशन करने के लिए मैंने रात भर मेहनत करके इतनी पढ़ाई की, वरना मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपकी बेटी को इस तरह देखकर आपको कैसा लग रहा है पापा? अरे बाप रे बता ही नहीं सकता। राघवराव जी उस तरफ क्यों मुड़ गए पापा? वो बता देगा, इस बात का डर है। क्या कहा? क्यों बेटी कहाँ जा रही हो? इंजीनियरिंग एग्जाम पास कर ली है ना मैंने, हैदराबाद जाकर नौकरी करके अपने पापा का नाम रोशन करूंगी मैं। राघवराव जी आपकी बेटी को ट्रेन आ गई। अरे वो राघवराव जी ट्रेन आ गई है, आ गई। चलो बेटी आओ। अरे राघवराव जी सुनिए तो, सुनिए। हां सुन रहा हूं। जैसे ही पहुंचे फोन कर देना, ठीक है? भूलना मत। अरे राघवराव जी मैं सुनता हूं। बाय बाय पापा, ओके बाय। और वहां पार्टी के लिए मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। संभल के जाना बेटी। हां बेटा बाय, बेटा बाय। राघवराव जी, मास्टर जी काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे ना? मैंने तो आपको बताया था कि आपकी बेटी फेल हो गई है। वो तो पास होना चाहती थी ना। हाँ तुम्हारे एमपी भैया। हाँ हेलो बोलिए। भैया आपने कहा था ना आपकी बेटी की नौकरी पक्की हो गई। थैंक यू जी। पद्दू की नौकरी कंफर्म हो गई। अरे लेकिन फेल हुई लड़की को कौन कौन देगा? हम ही देंगे। बात वो नहीं है जी, उसे वहाँ अब उसे नौकरी करके कौन सा कंपनी का देश का उद्धार करना है, बस एक नौकरी करना चाहती, करने दो उसे। बेटी कुछ मांगेगी तो आप दे देंगे? दुनिया के अलावा उसे कुछ भी दे दूंगा। वो भी अगर उसे दे दूं तो उसके बाद की इच्छा पूरी करने के लिए मेरा होना जरूरी है ना। टेंथ के बाद हम आज मिल रहे हैं। हाँ, हाँ। और बताओ मम्मी डैडी कैसे? सब ठीक है। किसका फोन था? एक्स बॉयफ्रेंड का था, ब्रेकअप हो गया है, तुम बताओ ना। ऐसा क्यों? मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ पर उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए कहते हैं कि शहर की लड़कियों को प्यार नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें बॉयफ्रेंड कैसा मिलता है। ये सब छोड़ो ना, हम दोनों इस शहर को पागल कर देंगे। ये
कैसी हो बेटी? आइए ना। इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम्हें खेल लग रहा है। और वैसे भी तुमने कहा था ना, जॉब मिलने के बाद तुम शादी कर लोगी। जॉब इतनी जल्दी मिल जाएगा मुझे थोड़ी पता था। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी जल्दी कहाँ करनी, अभी तो 10 दिन का समय बचा है, क्यों रे? हाँ साहब। पापा मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हारी मर्जी? ठीक है, मैंने उसे कहा और तुम्हारी मर्जी तुम्हें कहा। ये सब छोड़ो, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो बच्चों के साथ खेल के हमारा दिल बहलेगा कि नहीं? तो फिर पापा की शादी करवा दीजिए, उनके बच्चों से आप खेल लीजिएगा। वैसे इस उम्र में शादी होना तो ठीक है, लेकिन बच्चे होना अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होगा जी। मजाक बंद कीजिए, इससे कहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं होगा बेटी। बच्चे होना मुश्किल है। मुश्किल है जी। पापा प्लीज। देखो मेरी लाडली, माँ तुम्हारे भले के लिए तो बोल रही है ना। बहुत सुंदर है लड़का, देखो 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 ना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। कह रही सोच कर आएगी, चलो हम गांव चलते हैं। यहीं वेट करते हैं, वो सोच लेगी। मैम साहब, आपको मुझे कपड़े दिलाने होंगे। दिलाती हूँ ना। ये क्या? चीर फाड़ कर दी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, ए कब से फोन कर रही हूँ, उठा नहीं सकती। उठाए ना, बोलना। मम्मी पापा आए हुए हैं, इसी महीने मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या इतनी जल्दी शादी तक पहुँच गए? मेरी माँ तो बच्चों तक पहुँच गई है, मुझे शादी नहीं करनी। अब क्या ये शादी रुकवानी है क्या? ब्लूटूथ लेके कान में रख ले, फोन लेके जेब में रख ले। हाँ। तेरे घर वाले तुझसे जो भी पूछे ना, मैं जो जवाब दूंगी वही कहना, ठीक है? मैगी, इस ड्रेस में पॉकेट ही नहीं है, अब क्या करूँ? अरे ठीक है ठीक है, ओके। आ गई हूँ। हाँ आ गई, मैंने देखा तो। अब क्या? मैंने आपसे नहीं कहा। तो मुझसे कहा क्या? बताना क्या कहूँ। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। मैगी को ये शादी मंजूर नहीं है। बीच में वो कहाँ से आ गई? वो मुझे ये शादी मंजूर नहीं। क्या है? क्या मंजूर नहीं है? मैं ऑलरेडी एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैगी ऑलरेडी एक लड़के से प्यार करती है? वो किसी से प्यार करती है, उससे तुझे क्या? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अरे बाप रे, तुझे प्यार करना भी आता है? आता कौन है वो, क्या करता है? फिलहाल वो अमेरिका में है। अब वो इस वक्त अमेरिका गया हुआ है। पागल हो गई है क्या? ये एक लड़के से प्यार करती है और आप चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे हैं। चलो बहुत हो गया, सामान बांधो और घर चलो। तुम रुको। देखो बेटी, हमें भी तुम्हारी पसंद के रिश्ते से ही शादी करवानी है। तुम जिसे पसंद करती हो उसके साथ जीना और मेरी पसंद के लड़के के साथ जीने का फर्क तुम्हारे पापा को पता है। उस लड़के को बुला, मैं उससे बात करता हूँ। उसे अमेरिका से आने में 4 महीने लगेंगे पापा। 4 महीने क्या, 6 महीने का समय ले लो। इस बीच अगर वो आ गया तो तेरी पसंद के लड़के से, वरना हमारी पसंद के लड़के से शादी होगी। इस बार तुम बाप बेटी की कुछ नहीं चलने वाली है। हाँ, मैं यहाँ आऊंगी और तुझे लेकर चली जाऊंगी। ओके पापा। ठीक है ना? माँ पापा चले गए, अब 6 महीनों तक कोई शादी की बात नहीं होगी। बहुत एक्साइटेड लग रही हो। हाँ, 6 महीने अब फ्री हूँ ना। 6 महीने के बाद पापा से बेवजह झूठ कहा ना मैंने। अरे गधी, इंडिया में हर लव की एक ही प्रॉब्लम होती है, उनके माँ बाप, और कुछ नहीं। देख, यहाँ लड़की नहीं मानी ऐसा बहुत कम होता है, माँ बाप नहीं माने यही ज्यादा होता है। तो अगर लव नहीं करेगी तो तेरी शादी कर दी जाएगी, फिर गांव जाकर नारियल जैसी शक्ल वाले लड़के के साथ या गधे जैसे दिखने वाले लड़के के साथ तेरी शादी हो जाएगी। हाँ देख पद्दू, अरेंज मैरिज एक टेक्स्ट बुक की तरह है। वहाँ पे जो भी होगा वो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। और लव मैरिज होता है एक नोटबुक की तरह, तुझे जो पसंद है वो लिख। पागल हो गई है, कुछ भी लिख लेगी। वैसे भी तेरे पिताजी ने कहा है ना, वो तेरी मर्जी से ही शादी करेंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है तुझे? एक बार कोशिश करके देख। ये 6 महीने एंजॉय कर ले, लाइफ लॉन्ग उनकी पसंद के लड़के के साथ रहेगी या इन 6 महीनों के दौरान अपनी पसंद का लड़का ढूंढ के उसके साथ शादी करके अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। सब तेरे हाथ में है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा? इतना बोलने के बाद भी पूछ रही है कि क्या करूं बेवकूफ? तूने अपने पापा से जो झूठ बोला है उसे सच कर। मतलब चलो 6 महीने में ही किसी हीरो जैसे लड़के को पापा के पास ले जाऊं, है ना? चलो पकड़ते हैं किसी हीरो जैसे लड़के को। हाँ
लिया समझ। कौन ये? तीन, यहाँ पे तो तीन है गधू। गधू नहीं, बदू। इस शहर के इतने सारे हैंडसम लड़कों के बीच से मैंने इन तीन लड़कों को चुना है। पहले इन तीनों के साथ ट्रैवल करूंगी, फिर उनमें से किसी एक को फाइनल करूंगी और उसे गांव ले जाकर उसकी सास के लिए यमराज बनाऊंगी, इस लड़की का पति बनाऊंगी और मेरे पापा के लिए दामाद बनाऊंगी। तीन महीने में बहुत कुछ सीख गई है, पर इतने लोगों में से इन तीनों को क्यों पसंद किया ये तो बता। बताती हूँ, इसका नाम है गोकुल, लड़का लोकल है, इसके पापा लॉयर है और ये बास्केटबॉल खेलता है। Let's go, Johnny! नेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो धोनी की वाइफ साक्षी की तरह, तेंदुलकर की वाइफ अंजलि की तरह स्टेडियम में खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाऊंगी। सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल पता है तुझे क्या होती है? स्टेडियम में मैं तुम्हारे बगल में रहूंगी कि नहीं? ऑब्वियसली। नेक्स्ट। इसका नाम है नानी, रिटन टेस्ट पास हो गया है और पुलिस बनने के लिए फिजिकल टेस्ट बाकी है। पुलिस का मतलब बहुत दमदार होगा और दमदार पैसे भी आएंगे। पुलिस का मतलब पता है ना, हमारी गाड़ी कोई रोकेगा नहीं और अगर हम किसी की गाड़ी रुकवाएंगे तो पैसे दिए बिना जाएगा नहीं। टोपी पहने तब भी पैसे और पहनाए तब भी पैसे, बोनस में सैल्यूट और सिक्योरिटी भी मिलेगी। नई राजधानी अमरावती की भी ऐसी प्लानिंग नहीं होगी। इसका नाम नमो है। वेंकटेश क्या? नहीं। श्रीनिवास क्या? नहीं। तिरुमलेश क्या? नहीं। तो नमो मतलब नरेंद्र मोहन शास्त्री, मंदिर में पुजारी है। अरे रे रे रे, ये क्या आखिर में पंडित ही मिला? पंडित ही मिला? वहाँ देख, मैं हूँ असली विद्वान पंडित। इस असली विद्वान पंडित को तूने क्या समझा है? अभी अभी पैदा होने वाले बच्चे का भविष्य पता करना होगा तो हमें, पैदा होने वाले को पहला निवाला खिलाना होगा तो हम हैं, झूला झुलाना होगा तो हमें, पाठशाला में भेजना होगा तो हम हैं, नाम रखवाना होगा तो हमें, बाल कटवाना होगा तो हम हैं, हर काम के लिए हम हैं, छोटे काम से लेकर बड़े काम के लिए सबसे पहले हमारी याद आती है। कुंडली मिलवाना होगा तो आप लोग हमारे पास ही सबसे पहले दौड़ कर चले आते हैं। बच्चे की जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक सारे क्रियाक्रम हम ही लोग करते हैं। यहाँ तक की शादी के बाद जो पहला बच्चा पैदा होता है उसका नाम भी हम लोग ही रखवाते हैं, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, सबसे पहले हमारी याद आती है। ए! भगवान और भक्त के बीच मिलाप करवाने की एकमात्र कड़ी सिर्फ हम हैं, विद्वान पंडित। क्रेजी फेलो, वैसे तीनों से मिलना स्टार्ट कब करने वाली है तू? मेरी लकी डेट तीन है तो उसी तारीख से शुरू करूंगी मैं। आमीना सुपर सिन्ना बिग बॉय लेजी गर्ल STOP स्टॉप। गोकुल वो दे भैया, ये बॉल या वो बॉल? ये बॉल ही तो बहुत अच्छी है। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत है भैया। ए, ऐसे क्यों फेंका? फेंका हुआ बॉल पकड़ लिया तो इसका मतलब तुम यहाँ खेलने आई हो, नहीं पकड़ा तो यहाँ देखने आई हो, अगर ट्राई किया तो सीखने आई हो। तुम दोनों बास्केटबॉल सीखने आई हो, am I right? वाओ, इसलिए आप नेशनल रेंज के प्लेयर हो। इसलिए हम सीखने आए हैं। तुम सिर्फ देख सकती हो लेकिन खेल नहीं पाओगी। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या? अच्छा खेल सकती हो इसका भरोसा है? अच्छा खेलने तक मेहनत करूंगी इसका भरोसा है मुझे। So, टेनिस की सानिया मिर्जा और बास्केटबॉल की बदू। ओके, सी यू टुमारो शार्प 8 AM। वैसे नंबर बोलना भूल गई हो। आप ही पूछना भूल गए, कल याद से पूछ लीजिएगा, भूले बिना बता दूंगी। वैसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। ओ या, वो बात भूल ही गया, तुम दिखने में बहुत बदसूरत हो। तो फिर मैं? हे कम ऑन, सफेद ताजमहल को, ठंडे हिमालय को और तुम्हारी खूबसूरती को बताने की जरूरत है क्या? आमिना सुपर सिन्हा वीक बॉय लेजी गर्ल STOP स्टॉप। नानी Ha ha ha!
अरे बाप रे, अरे कौन है रे तू? हमने क्या गलती की जो पीछा करके हमें मार रहा है? सुब्बा राव कहाँ पे है? हाँ सुब्बा राव, हाँ हेलो, मैं एक छोटी सी पार्टी में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, बाय। झूठ कैसे बोलते हैं, मुझसे सीखो। हेलो, क्यों मारा मुझे? तू कहाँ पे? पार्क में। फोन में कहाँ है बताया? पार्टी में। बेसिकली मुझे झूठ से नफरत है, झूठ बोलने वाले को मार देता हूँ। अभी ट्रेनिंग में हूँ इसलिए थप्पड़ मारा, एक बार पोस्टिंग हो गई तो। हेलो, हाँ? मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? कौन है? महेश बाबू। ओ, इसे कहते हैं झूठ, इस पे मारना चाहिए। किसके लिए मारा? इसके लिए, उसके लिए नहीं। ओ, हेलो सुब्बा राव जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? वो सुब्बा राव जी कहाँ है? कहा था ना कि मुझे झूठ से बहुत नफरत है, फिर क्यों बोला तुमने? लगता है छोटी छोटी झूठ के लिए ही हमें जान से मार देगा। भाग रहे भाग रहे, मुझे वो वाली फ्लाइट चाहिए। खाओ तो फ्लाइट दिलाऊंगा, खाओ 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 बेटा, खाओ खाओ, मैं खिलाता हूँ। हेलो, तुम कौन हो? एक मिनट रुकिए, खालो 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 बेटा, खालो खालो, थोड़ा सा थोड़ा सा खालो खालो खालो, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा और। इसने आइसक्रीम खा ली, फ्लाइट खरीद के दो। इसने आइसक्रीम खा ली बे, बोला था ना फ्लाइट खरीदने के लिए, बोला था ना, बोला था ना, क्यों बोला? झूठ बोलने का नहीं, मार डालूंगा। इतने सालों से कहाँ थी आप? क्या शादी नहीं हुई ना आपकी? नहीं। फिर तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे? क्रिमिनल्स को। ओ, थोड़ा ऊपर उठाएंगे प्लीज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे अच्छा लग रहा है ना। पागल हो क्या? कैसे पता चला आपको कि मैं पागल हूँ? नहीं नहीं, लगता है गिर जाऊंगी। फिर तो ठीक है जी। क्यों जी, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? वैसे अभी अभी वो मुझसे टकराया तो था, देखने में मैनली है, टी शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा था। हेलो। सिर्फ झूठ बोलने पर तू हमें क्यों मारता है? क्यों बे, मार से मन नहीं भरा क्या? तो फिर एक सच बोलता हूँ, ध्यान से सुन ले। नमस्ते सर। कल सुबह 11 बजे मंजीरा मॉल में तेरी गर्लफ्रेंड को रेप करूंगा। किसकी गर्लफ्रेंड और किसका रेप करेगा तू? ए, तुम दोनों के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था उसे मैंने सुना, तुम्हारा रोमांस भी देखा मैंने, कल तुम्हारी उसी गर्लफ्रेंड के साथ मैं रेप करूंगा। रेप? आज के बाद वो तुम्हारे आसपास ही घूमता रहेगा। यहाँ पे नमो शास्त्री जी कौन है? ये नमो शास्त्री है, मैं सुमो शास्त्री हूँ। तो पिता का नाम बजरंग शास्त्री है। यानी कि पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहेंगे? मतलब पूरी जिंदगी अकेले ही रहोगे। हे, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? पता ही है, साक्षात तिरुमाला भगवान का प्रसाद है। लड्डू प्रसाद है क्या? नहीं, चावल का प्रसाद है। अरे पहले सुन तो लो, बचपन में जब इसकी जान खतरे में थी तो स्वामी जी ने इसके लिए एक मन्नत मांगी थी कि अगर ये ठीक हो गया तो इसे इसी के हवाले कर देंगे, और ये बच गया तब से ये ब्रह्मचारी है। तिरुमला देव स्थान में पंडिताई करने के लिए मैं जाने वाला हूँ, और 4 दिनों के बाद अपनी पूरी जिंदगी वहीं पर बिताऊंगा। शुभम। क्या शुभम? अरे जब भी कोई इसे अच्छी और सुंदर लड़की दिखेगी ना तो ये अपना रास्ता बदल देगा। क्यों पद्मावती? भक्तों को प्रसाद दो। शास्त्री प्रसाद दो। दे रहा हूँ। अरे दो जल्दी। अरे प्रसाद दो। तो खुश होना तो। तुझे वहाँ नहीं देखना चाहिए। जिस लड़की के बारे में वो बोल रहा था, कहीं ये वही तो नहीं है? वो दिखने में अच्छी है तो क्या, तुझे इससे क्या मतलब है? तू अपना काम कर रहा प्रसाद बाट। ये मुझे कैसी लग रही तुम्हें पता है क्या? कैसी लग रही है बता।
प्रसाद थोड़ा गर्म है, संभाल के बांटना। कहाँ चली गई ये प्रसाद? सॉरी जी, आप इतनी हॉट है इसलिए मैंने प्रसाद गर्म है या ठंडा ये देखे बिना आपको दे दिया। कोई बात नहीं, आप इतने स्वीट है कि गर्म है या ठंडा ये देखे बिना मैंने खा लिया। प्रसाद दीजिए। देख नमो, अगर माता पिता पे भरोसा किया तो वो तुझे थाली में खाना देंगे, अगर लड़की पे भरोसा किया ना तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी वो। तुमको पता है सुमो, इस लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया है, पूरे शरीर में कपकपी हो रही है। अरे चुप कर चुप कर। और वहाँ देख, खाते समय अच्छे से खा के आखिर में हाथ धो के यहाँ से रवाना हो जाती है लड़कियाँ। तुम जरा अपने मुँह को विराम दो, अपनी जानकी के बारे में ये सब सुनना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। पंडित जी, शायद इसका बैंगलोर में ट्रांसफर हो सकता है, वो रुक जाए उसके लिए कोई पूजा है क्या? सिर्फ पूजा ही क्यों जी, यज्ञ अर्चना जाप हवन कुछ भी करने की जरूरत पड़े मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन इस कन्या को हैदराबाद से बाहर नहीं जाने दूंगा। मुहूर्त देखकर मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। क्यों रे सुनो, फोन नंबर मांगूंगा तो मना तो नहीं करूंगा? मांग कर देखना। फोन नंबर दूं क्या? मुहूर्त निकालेंगे कहां ना अपने। ए सुमो, फोन निकाल रहे। थैंक गॉड, तीनों से पहली मुलाकात तो अच्छी रही। ये टाइम टू सेलिब्रेट। हाँ, पर हैदराबाद में सेलिब्रेशन के नाम पर सब ड्रिंक्स ही क्यों लेते हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी। मुझे भी वो समझ में नहीं आता। तू रोज पीती है क्या? छी छी, हफ्ते में सिर्फ 7 बार। मैं सिर्फ एक ही पैग लेती हूँ, दूसरा लूंगी ना तो गिर जाऊंगी। तो फिर तूने 2 ग्लास क्यों लाए हैं? कहा ना, दूसरा अगर मैंने पिया तो मैं गिर जाऊंगी, दूसरा पी के गिर जाती हूँ। रात को अगर पीने के बाद ना काम वाली के बारे में, बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करे ना, एक अलग ही मजा आता है। अच्छा, तो फिर स्टार्ट कर ले। पंडित जी, लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं इसलिए वो इजीली फंस सकता है, पर फर्स्ट लव है ना, अगर फेल हुआ तो उसके सुसाइड के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सो उसके साथ बहुत सावधानी से रहना होगा। ओके। गोकुल, उसकी जिंदगी में बहुत लड़कियां हैं इसलिए वो इजीली फंस सकता है, पर अगर उसे लड़की मिल गई ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसके साथ हम दोनों को ही सावधान रहना पड़ेगा। ओके। ये दोनों को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं, पर तीसरा छोटे झूठ पे जान ले लेता है, गलती से भी उसे किसी भी बात पे झूठ मत बोलना। बात वो नहीं है, मैंने उसे झूठ कहकर ही प्यार में फंसाने का सोचा है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। तू पागल हो गई है क्या, उससे सब झूठ बोलेगी क्या? वो मार डालेगा, तुझे ही बता रही हूँ। तूने तो कहा था 2 पैग में ही तू गिर जाती है, अब तक गिरी क्यों नहीं? तू जो कह रही है उसे सुनकर तो 4 पैग के बाद भी नहीं गिर सकती। चल बेबी, अगर उसके सामने झूठ कहेंगे तो वो सह नहीं पाएगा, लेकिन उस दिन जब हमने उसकी झूठी तारीफ की तब उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, कहा कि टी शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहा है तो वो शर्मा गया था। कल से देखना मैं क्या करती हूँ। इसी मॉल में रेप करेगा बोला था उसने, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं आएगा। हेलो, हाय। हाय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कल मैंने 2 लोगों को मारा था ना, वो बोल रहे थे कि तुम्हारा रेप करेंगे, इसीलिए आया मैं यहाँ पे। आप किसी को मारेंगे तो वो मेरा रेप क्यों करेगा? वो क्या है कि मैं आपसे लव करता हूँ ऐसा सोच रहे हैं वो। ऐसे पीछा करेंगे तो सोचेगा ही, वैसे कहाँ पर रेप करेगा कहा उसने? इसी मॉल में करेंगे कहा था उसने, वो कॉल कर रहा है। हाँ। हेलो। सॉरी भाई, थोड़ा काम आ गया इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। hey! रेप का प्रोग्राम अब कल पे रखता हूँ, लड़की को बोल देना बुरा नहीं मानेगी वो। क्या हुआ? उसे अचानक कुछ काम आ गया है, रेप का प्रोग्राम कल रखने के लिए बोला उसने। और क्या कहा उसने? बोला है कि आप बुरा मत मानिएगा। अरे सच में वो रेप करेगा कह रहा था। और आप खुशी खुशी देखने चले आए? अरे नहीं, रोकने के लिए आया मैं तो। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये आकर रोक लेंगे ना, आपको यहाँ आकर रोकना था? इतने सारे लोगों के बीच मैंने तुम्हारी कमर पकड़ ली, कोई आया रोकने? किसी के पास टाइम नहीं है इतना, क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अब डांट रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको समझाना था इसीलिए मैंने आपकी कमर पकड़ ली, बुरा मत मानिएगा ठीक है? आपने मेरी कमर पकड़ ली तब भी मुझे अच्छा लग रहा है। पर
इतनी देर पकड़ रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा। मैं चलता हूँ। अच्छा बाय। सुनिए, आप जाते समय ऐसे पीछे मुड़कर मत देखिए, मुझे कुछ कुछ होता है। बाय बाय बाय। रंगोली कैसी लगी? उसे फंसाने के लिए तुम रंगोली बना रहे हो ऐसा तुम्हें लग रहा है, और वो तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे हाथों से रंगोली बनवा रही है ऐसा तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? चुप कर, उसके बारे में ऐसी बातें मत बोलना। चूहे की तरह दिखता है बेवकूफ। वैसे भी मेरी बात तुझे समझ में नहीं आएगी, अगर पिताजी को ये बात पता चल गई तो। बेटा नमो, क्या हुआ, पिताजी कह रहे हो? कुछ नहीं गुरुजी, ये पेरू बड़ा स्वादिष्ट है, पूजा करने से पहले खा लेगा ऐसा कह रहा है। मैंने खाने से मना कर दिया तो इसलिए मुझसे झगड़ा कर रहा है ये। क्या कहा? पूजा के बीच पेरू की तरफ जाना मेरे बेटे को पता नहीं है क्या? वैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि धर्माचार्य का बेटा एक पेरू की लालच करेगा क्या? हैं? वाह 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 गुरुजी, क्या बात कही आपने। ये तो मामूली बात है, आप पूजा कीजिए, मैं फल खा के आता हूँ। ओरे, अभी तो अपने पिताजी की बात मान ले। ठीक है रे, जैसे पिताजी कहेंगे वैसे ही। कैसे हैं आप? आप बहुत अच्छी हैं जी। क्या कहा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं जी? बहुत अच्छी हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि आप बहुत अच्छी हैं। ये क्या? कुछ नहीं, बस पूजा शुरू होने वाली है। ओम गम गणपताय नमः, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी है। ओम कुमारी नमः देवस्य। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज 21 है। क्यों, मुझसे प्यार करने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? मेरा बैकग्राउंड क्यों चाहिए आपको? नहीं, बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे। सुमो, सही बोला ना इन्होंने? स्वामी जी, आपके पैर पड़ता हूँ, आप रोक दीजिए, जितना किया वो काफी है। क्यों भैया इतनी सुबह सुबह यहाँ? कल जो लड़की आई थी ना उसके लिए। वो वैसे भी आपसे नहीं पटने वाली है। छोड़ दो भाई, नंबर मांगने पर तो उसने दिया नहीं, अब कैसे पटेगी? तू देखता रहे, दो दिन में खा लूंगा उसे। आज क्लास में आएगी ना? कम ऑन पद्दू। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। कम ऑन, कम कम ट्राई, टेक द बॉल, रेडी 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 गो। बीच में आ गए तो मैं कंफ्यूज हो गई। एक बार जब बास्केट को देख लिया तो आंख बंद करके उसी डिस्टेंस में थ्रो करना चाहिए। ओके, लुक एट मी, तुम्हारे और मेरे बीच 1.5 मीटर की दूरी है। तुम्हारा फोरहेड 2.2 इंचेस, तुम्हारा नोज 2.1 इंचेस, तुम्हारी दोनों आंखों के बीच 1.5 इंच की दूरी है, तुम्हारी आंखों और होंठों के बीच 3.4 इंचेस की दूरी है, तुम्हारे होंठ नॉर्मली 2.5 इंचेस के हैं, मुस्कुराते वक्त 3.5 इंचेस होते हैं, तुम्हारी गर्दन मुझे बहुत ही पसंद आई, 3.6 इंचेस हाइट, 10.5 इंचेस डायमीटर, तुम्हारे टॉप की और 3/4 के बीच सुंदर और रोमांटिक दिखने वाली जो दूरी है वो है 8 इंचेस, तुम्हें आगे से अगर हक करेंगे तो 42 इंचेस, और पीछे से हक करेंगे तो 31.5 इंचेस। ये होता है देखने का मतलब। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो 9920262172। अगर आपको मेरा फ्रेंड बनना है तो padmavati.paddu@gmail.com। अगर आपको मुझसे मिलना है तो 30921/22 गांधीनगर स्ट्रीट नंबर 7। Yes! क्या हुआ, इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही है? नमो और नानी की बात समझ में आती है, लेकिन गोकुल ने तो 100 से ज्यादा लड़कियों से प्यार किया है, ये बात तो जानती है ना, फिर उसे क्यों पसंद किया? उसने 100 लड़कियों से प्यार किया है ऐसा तुझे लग रहा है, और वो 100 तरीकों से प्यार कर सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। वो 100 तरीकों का प्यार मैं उससे पाकर ही रहूंगी, देखना। ठीक है, चल ऑफिस चलते हैं। आज पार्क में रेप का प्रोग्राम रखा है, वो खत्म होते ही आ जाऊंगी। बाय। यहाँ रेप का कार्यक्रम अकेले है सोचा था, पर बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। वे रुक जा, ए ए ए। ठीक है, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, तू फोन लगा उसको, बोलो रेप होने वाला है, जल्दी आने को बोलो। क्या रेप कर रहे हैं, जल्दी यहाँ आ जाओ, ऐसा कहूँ से?
वो तो छोटा सा भी झूठ नहीं सह पाता। जब उसे पता चलेगा कि ये इतना झूठ बोल रही है तब तो इसे मार डालेगा। हेलो नानी, ये लोग मेरा रेप करने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तुम आए क्यों नहीं? मैं ट्रैफिक में हूँ। वैसे तुम सेफ हो ना? नहीं, मैं भाग रही हूँ। जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ प्लीज। अच्छा, आ रहा हूं। उसके आने के बाद क्या करोगे? जिस समय वो आएगा उस समय तुम डर से भागते रहोगे। तुम्हारे पीछे हम होंगे, आगे तुम, पीछे हम, और जब हमारा हाथ तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला होगा, बहुत ओवर मार रहा है। एक मुक्के का हजार, ठीक है ना? नहीं तो हम लोग घर चले जाएंगे यहाँ। 36 हेलो, आईफोन 10 दिलाने वाले थे ना? मुक्के का हजार ही है यहाँ पे, फोन बिल तो भर ही दूंगा। आजा आजा आजा, एक मिनट लाइन पे रहो। फोन बिल तो हो गया, और कुछ चाहिए क्या? तेरी तो आजा, इससे मार खाने के 2000 एक्स्ट्रा लगेंगे। पेमेंट देना होगा वरना मैं इसे सब बता दूंगा। अब मैं जितने घूसे खाऊंगा उतने पैसे दे देना प्लीज। वो बहुत ही जोर से मार रहा है। माफ कर दो, माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। क्या मारा है बॉस? आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? थोड़ा सा और पास आ जाइए ना प्लीज। ठीक है। वो लड़की क्या फिर से यहाँ पर आएगी? हेलो, कल मैगी का बर्थडे है। अच्छा जी। इस मौके पर आपको एक पार्टी देने का सोच रहे हैं। दक्षिणा दोगे? वही काफी है, पार्टी की क्या जरूरत है? दक्षिणा तो पूजा के लिए, पार्टी हमारी फ्रेंडशिप के लिए। रेडी रहिएगा, शाम को हम लोग बाहर चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे, हम शहर के बालाजी टेंपल में जाएंगे, उसके बाद हम दुर्गा मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे जाके यज्ञ करवाएंगे। पंडित जी, पार्टी मंदिर में नहीं दे सकते हैं, पार्टी पब में होती है। ऐसा क्या, पब? अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, ऐसे मुंह मत खोल, हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है जी, यहाँ गाना बजाना ही तो होता है, नृत्य प्रदर्शन। अरे हम लोग जरूर आएंगे जी। सर सर रुकिए सर। हैं? तू कौन है रे जो मुझे रोक रहा है? बाउंसर हूँ। तो फिर उछल। बाउंसर का मतलब वो नहीं होता है। इंग्लिश हमें भी आती है, हम भी पढ़े लिखे हैं। स्टैक्स आर नॉट अलाउड। मतलब? अकेले नहीं जा सकते हैं, जोड़ी में जाना होगा सर। तो तुम आ जाना, चलते हैं। सर सर अब क्या हुआ? एप्पल की जोड़ी के साथ एप्पल नहीं सर, एप्पल की जोड़ी के साथ पेरू सर। ओहो, तो पेरू चाहिए। हेलो पेरू, हेलो ब्रह्मरम्बा। हाँ बोलिए। अर्जेंटली ट्रिनिटी पब में आ जाओ। बस कपड़े बदल लेती हूँ। मैं गुस्से में हूँ जी, अब जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ? ये देखो मेरी पेरू, हट जा। अब जाने दो। चलो अंदर। पिताजी आ गए। वो कौन सा राग बजा रहा है और तुम कौन सा नाच कर रहे हो? उसके पब कहने पर तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आई? बता, हिंदोलम का संगीत क्या है? सारे गामा पादनिसा। तुम क्या गा रहे हो? ढेकचिका ढेकचिका। छी, संगीत का अपमान करने में तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? माँ बेटा चुप कर।
माँ माँ, जब चोट लग जाती है तो बच्चा माँ माँ कहता है। गुरुजी। और जब लड़की से चोट खाता है तो लड़का माँ ऐसा चिल्लाता है। वही अगर अनजाने में लड़की चोट खाती है तो ऐसा चिल्लाती है। अद्भुत। इसी तरह हर एक चीज के लिए एक चीज बनाई गई है। रंग है, स्वर है, ढंग है। मेरे पास गीता है, काव्या है, लीजा है, तो फिर अब क्या? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, उसी का दुख मिटाने मैं यहाँ पब में आया हूँ। लड़कियाँ चलो। शंकरावरम फिल्म नहीं देखी गधे ने। कल मिलते हैं, तुम चले जाओ। पिताजी। हर मिठाई ऐसा कह रहा था ना, तो रुक जा। टेक्स्ट करूँ या नहीं? हाय सानिया मिर्जा। फुट टेनिस के लिए, बास्केटबॉल के लिए पद्दू। Are you feeling sleepy? No. हैदराबाद में लड़कियां 10 बजे ही सो जाती हैं क्या? तुम लड़के सोने देते हो? Hi, hello, क्या कर रही हो? ठीक है। Good night. Take care. Love you. Love you? क्यों पसंद नहीं आया क्या? तो फिर वापस कर दो। पसंद आया, अपने ही पास रखती हूँ। कल जब मिलोगी तब दे दूंगी। तो फिर कल मेरे फ्लैट पे आ जाओ ना। फ्लैट पर? मतलब मेरे सामने वाले आंटी के बेटे की रोज चंदा मामा आएगा ऐसी लत लगी रहती है, पर वो आ ही नहीं रहा है, इसलिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा है। एक बार तुमसे मिलूंगा तो उसको तसल्ली मिलेगी। ठीक है, तो आती हूं। ठीक है, सो वी विल सी यू एट 11 एएम। ओके, बाय। हाय। ए, दरवाजा से बंद क्यों कर दिया? तुम सच में आई हो क्या? वो कल से तुम डोर खटखटा रही हो और मैं निकल रहा हूँ, तुम खटखटा रही हो और मैं निकल रहा हूँ, मेरा इमेजिनेशन था, लेकिन अब सच हो गया। फ्लोटिंग? फ्लोटिंग अच्छे से आती है तुम्हें। थैंक्स। वैसे जिस बच्चे को चंदा मामा देखना है वो कहाँ है? ए, अभी तो फ्लैट पे आई हो और तुरंत बच्चा भी चाहिए क्या? तुम अभी अभी फ्लैट पर आई हो, इतनी जल्दी बच्चा क्यों? थोड़ी देर बाद बुलाते हैं, इसलिए डबल मीनिंग क्यों कह रहा है? डायरेक्ट मैटर पे आओ। क्या सोच रहे हो, मुझे भी बताओ ना। हाँ? वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फ्लैट देखने के लिए ना, तो दिखाओ। ओ। हाँ। वो किचन है। ये डाइनिंग हॉल है। वो ड्रेसिंग रूम है। ऊपर बेडरूम है कहूंगा तो बुरा मान जाएगी। तो फिर बेडरूम कहाँ है? वो डाउट आया इसलिए पूछा, या बेडरूम ऊपर है ऐसा हिंट दे रही हो? हे, बैचलर रूम में ये सारी क्या कर रही है? हे, ये कौन है? माँ है, जब जिंदा थी तब उसने होने वाली बहू के लिए ये साड़ी खरीदी थी। वैसे अपना टॉपिक आधे में रुक गया था, तो क्यों ना हम उसके बारे में बात करें। हाँ, टीवी देखे क्या? देखो भाई, टाइट हो गया क्या? सारी टीम निश्चित दिशा में। बाप रे, रोमांस है, लड़की बुरा मान जाएगी। हे, वही चैनल लगाओ ना। कमर पर हाथ लगाने से इतना रिएक्ट करते हैं क्या? टू मच। मतलब तुम्हारी कमर पर किसी ने हाथ रख दिया तो पता चलेगा। रखो। मामूली सा है, इतना भी कुछ नहीं हुआ। वैसे टी शर्ट पे टच किया ना, इसलिए इतना पता नहीं चल रहा है। वही अगर डायरेक्टली टच कर दिया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। पकड़ो। ऐसे ही किया था ना उसने, इतना भी कुछ नहीं हुआ। टाइम बदल गया है। नहीं, सॉन्ग बदल गया है। हाँ? ये फ्रेश इसलिए हो रहा है ना। तो फिर मैं भी फ्रेश होकर आ जाऊं? मैं भी फ्रेश होकर आऊं क्या? चलेगा।
रूम वहीं पर है ना? यस। हेलो पापा। रात में तुम साड़ी पहन के आंगन में घूम रही हो, ऐसा सपना आया मुझे, इसीलिए साड़ी में फोटो भेजने को कहा। भेजी ना, अच्छी है ना? अब मुझ में हिम्मत आई है। थैंक यू पापा। ओके बाय। ओके बेटी। साड़ी तुम्हारी माँ ने अपनी बहू के लिए खरीदी थी ना? अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी माँ की बहू हूँ तो ये साड़ी निकाल सकते हो। मैं नहीं रोकूंगी, पर अपनी माँ की इच्छाओं का गला मत घोंटो। गलत कहा क्या? नहीं, गलती होने से पहले ही बता दिया। मेरी मां की बहू बनने के बाद ही मैं तुम्हें टच करूंगा। क्यों, काम ज्यादा हो गया है क्या? आजकल लेट आती हो? नहीं, गूगल के पास जाकर आ रही हूँ। हाँ? मैगी। मैंने कहा था ना, वो अच्छा लड़का नहीं है, उसने कुछ किया तो नहीं ना? तू ये वजह परेशान हो रही है, उसने कुछ भी नहीं किया। पहले तू बाहर आ, आजा। देखा, ठंड के कारण बुखार हो गया, ऐसे कांप रही है। तुम जो ट्विस्ट दे रही हो ना, उससे बुखार तो क्या, बीपी और शुगर भी हाई हो जाएगा मेरा। मैंने क्या किया है? वो यहाँ 6 बजे आने के लिए कह रहे थे, इसीलिए मैं आ गया। वो लोग दिखने में ही कार्टून लगते हैं, उन्होंने जो बात की वो सीरियसली लेकर यहाँ बारिश में खड़े हो गए। आपके मामले में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ ना हो जाए, इसीलिए तो मैं आपको बचा रहा हूँ। हर इंसान की एक ताकत होती है और एक कमजोरी होती है, मेरे लिए दोनों सिर्फ आप ही हैं। हेलो पद्मावती जी, आप कैसी हैं? आप सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मैंने भी वही कहा, आप बहुत अच्छे हैं। ये क्या कैंप फायर है क्या? पहले ही बुला लेती, बूझने के बाद क्यों बुलाया? कैंप फायर, तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मैगी। तुम्हें लास्ट ईयर बैन किया था ना, तो तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? ये इस तरह के कपड़े पहन कर इतनी अजीब सी बातें कर रहे हो, इस आग में डाल के ना जला दूंगी। अरे बाप रे। पद्मावती जी, कोई भी अगर इन अंगारों पे पूरे 11 बार चलेगा तो उसके मन की जो भी इच्छा होगी वो 101% पूरी हो जाएगी। क्या 11 बार? तुम पागल हो गए हो क्या? ये बेचारी मर जाएगी, चलो यहाँ से। इनका चलना जरूरी नहीं है, इनका चाहने वाला अगर कोई इस आग पे चलेगा तो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो फिर तुम ही सही हो, आओ चलो, आओ, आओ। ए, क्या, चलो चलो। मैगी जी, आप दोनों पक्के दोस्त हैं, उनकी जान आप है और आपकी जान वो है, मतलब दो जिसमें एक जान हुए। अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो आपका मन खराब हो जाएगा, और तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो उसका मन खराब हो जाएगा। इसीलिए उनकी सलामती के लिए तुम्हें कुछ भी करना चाहिए और इस पर 11 बार चलना चाहिए। किसी को 11 बार इस पर चलकर कहने के लिए उसकी जान लेने का क्या मतलब है? ऐसी बातें कैसे कर सकती हो तुम? 11 बार कोई चलता है क्या? तुम तो बस 10 बार चलो, उतना ही काफी होगा। ये क्या, इससे पहले 11 बार कहा था ना? तुम्हारी खाल सुनोगे इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम ऑलरेडी एक बार चल चुके हो, अब 10 बचे हैं। मेरे पैर, मैगी, मेरे पैर, मैगी, मेरे पैर, मेरे पैर।
नमो। आप क्यों चले? अनजान भक्त जब मंदिर में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं ना, तो उनकी सलामती के लिए पूजा करना हमारा धर्म होता है। तो ऐसे में क्या आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? अरे तेरे दिल में अगर इतना ही प्यार था तो सीधा उसे बोल क्यों नहीं देता? बाद में अगर मना कर दिया तो तू सहन नहीं कर पाएगा। कह दूंगा। चार दिनों के बाद प्रेमियों वाला दिन है ना, उस दिन मैं अपने दिल की बात कह दूंगा। वैसे भी उस पल के लिए कब से वेट कर रहा हूं मैं। मैगी, मैगी, ड्रेस चेंज कर रही हूं। दरवाजा खोल, खोल रही हूं बाबा। जल्दी करना। क्या हुआ? वैलेंटाइन्स डे है ना? हाँ? नमो ने आई लव यू कह दिया। तो तुमने क्या कहा? तुमने ही कहा था ना, उसका ये फर्स्ट लव है। मैंने अगर ना कहा तो वो सुसाइड कर लेगा इसी डर से। आई लव यू टू। श्योर हो ना, उन तीनों में से वही तुम्हें पसंद है? बात वो नहीं है, इस सब के बाद गोकुल वहाँ आ गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ आई लव यू पद्दू। अरे रे, पहले इसे हाँ कह दिया तो उसे मना किया होगा ना, कितना बुरा लगा होगा। इसीलिए तो उसे फील नहीं होना चाहिए, इसीलिए। हाँ, वो फील नहीं होना चाहिए इसलिए। आई लव यू टू। अरे तुमने दोनों को आई लव यू कैसे कह दिया? वो मर जाएगा इसलिए उसे भी आई लव यू कह दिया। इसे बुरा लगेगा ये सोचकर इसे भी हाँ कह दिया। तो अब तो सिर्फ नानी ही बचा है ना, उसे बुरा लगेगा तो क्या उसे भी आई लव यू कह दोगी? हाँ, वो भी कहीं हर्ट ना हो जाए इसीलिए। उसे हर्ट होगा इसलिए। आई लव यू टू। तीनों को आई लव यू टू कैसे कह दिया? पापा का कॉल आया है। बोलिए पापा। बेटी पद्दू, अमेरिका से 6 महीने में कोई आएगा ये तुमने कहा था, बात कहाँ तक पहुंची? बता दोगी तो हम अपनी तैयारी कर लेंगे। हे भगवान, तीनों पसंद है इसलिए तुमने तीनों को आई लव यू कह दिया, और तुम्हारे पापा फोन पे फोन करके अमेरिका वाले से शादी करने के लिए पूछ रहे हैं। ये टेंशन में एक और टेंशन, मैं मर जाऊंगी। एक मिनट रुक ना। 6,000 का खरीदा हुआ चूड़ीदार का मैचिंग दुपट्टा, तुझे चाहिए तो दूसरा ले लेना। मैं मर जाऊंगी ये सोचकर नहीं, पर तुम्हारा दुपट्टा खराब हो जाएगा ये सोचकर दुखी हो रही हो। ओए, चूड़ीदार का मैचिंग दुपट्टा खराब हो जाएगा ये सोचकर मुझे इतना बुरा लग रहा है? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर मुझसे दूर हो जाएगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा? पागल। तीनों से आई लव यू क्यों कहा यही सोच रही हो ना? हर लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उसे बहुत प्यार करे, पूरे दिन में एक बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करे, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखे, वो उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हो। हर लड़की की लाइफ में कोई एक तो ऐसा होना चाहिए ना। मेरे पास तो ऐसे तीन तीन लोग हैं। मैं तीनों से प्यार करती हूँ ये सुनने पर तुझे कैसा लगा मुझे पता नहीं, पर तीनों मुझसे प्यार करते हैं ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरी मर्जी, पर बी वेरी केयरफुल। ये क्या, तूने आज ही क्या पहन लिया? तू जब यहाँ आई थी तब कैसी थी? ऐसी ही थी ना। तुझे देखकर एक चीज समझ गई हूँ, लड़कियों के बदन पे जितने कपड़े कम होते हैं टेंशन उतना ज्यादा होता है। मैं शांति से रहना चाहती हूँ इसलिए पहना। हाय गोकुल। हाय पद्दू, क्या कर रही हो? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, क्या तुमने मुझे आई लव यू कहा था ना, उसी के बारे में सोच रही थी। गोकुल, मेरे भैया का कॉल आ रहा है, मैं बाद में कॉल करूँ। ओके बाय। ओके डार्लिंग, आई विल बी वेटिंग। हाय नमो। हाय पद्मावती, क्या कर रहे हो? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। चुमानी अभी भी कहा वही कह रहा है। एक बात कहूँ, तुमने कल जब से आई लव यू टू कहा है ना, मुझे किसी चीज का होश ही नहीं है। अच्छा, मैं भी वही सोच रही थी। नमो, एक मिनट होल्ड करो, हाँ बड़े भैया का कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है पद्दू, ठीक है। हाय नानी। हाय। तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना? तुम्हें कैसे पता? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी।
साधु, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। एक सेल्फी भेज सकती हो क्या? अभी? प्लीज भेज दो ना, प्लीज 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 प्लीज। ओके ठीक है, भेजती हूँ। या क्या हुआ, क्या भेजने को कह रहा है? उसे नींद नहीं आ रही इसलिए मेरी एक सेल्फी भेजने के लिए कहा है। हवा नहीं आ रही है, थोड़ा फैन यहाँ करना। ओके, ऐसी फोटो देखकर वो कैसे सोएगा बेवकूफ। वैसे तू जब प्यार करती थी तब तूने कैसे मैनेज किया? अभी तो किसी भी तरह मैनेज कर दिया। ये लड़के ना प्यार करने से पहले अलग होते हैं लेकिन बाद में बदल जाते हैं। लव से पहले कार से उतरेंगे तो दरवाजा वही खोलते हैं, खाने की टेबल पे कुर्सी खींचते हैं, टिश्यू पेपर भी वही देते हैं, और सब कुछ सही होने के बाद शादी हो जाती है तो प्लेट में खाना भी तुम्हें ही देना पड़ता है, उसके घर में साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी पड़ती है। लव से पहले आगे पीछे घूमते रहते हैं और शादी के बाद हमें आगे पीछे घुमाते हैं। ये सच कह रही हो, प्यार करने से पहले अलग होते हैं और प्यार करने के बाद बिल्कुल अलग। अब ये लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, अब ये मेरे साथ किस तरह से रहते हैं, मेरा कैसे ख्याल रखते हैं, ये टेस्ट करते हैं। पद्दू को बुखार आने पर ये कैसे रिएक्ट करेंगे, पद्दू को गुस्सा आने पर ये क्या करेंगे, पद्दू को अगर किसी ने रुला दिया तब ये क्या करेंगे, ये सब टेस्ट करेंगे। कौन बनेगा पद्दू का पति ये इस टेस्ट में डिसाइड हो जाएगा। टेस्ट नंबर वन। हेलो पद्दू, नजर नहीं आ रही है, मैं शहर में नहीं हूँ। ओवर। ये देखो फर्स्ट कॉल आ गया। तो और क्या, तू भी स्कोर देना शुरू कर। देखो दूसरा वाला भी कॉल कर रहा है। ओम गम गणपता है नमः, अपना नाक पकड़ो, आप सच्चे मन से भगवान का नाम लो। अरे उसका फोन उठाने के लिए तू नाक क्यों पकड़ा रहा है? तू भी अपना नाक पकड़ ले। तीसरा वाला। साइलेंट पे रख दूं? चैटिंग बगल में रख के पूजा स्टार्ट कर। सारे मोबाइल हवा में डाल दीजिए। फेसबुक भी। भाई हेलो भाई। अरे खेलो यार, क्या हुआ है तुम्हें? मैगी, नमो ने भी मैसेज भेजा है, देख। क्या? चेस, बेचारा। अरे अरे क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जो तुझे हाथ में देना चाहिए था तो वो सर पे डाल रहा है, थोड़ा सोच के तो कर रहा, क्या कर रहा है? मैं नमो, हेलो, तुमने अपना फोन साइलेंट पे क्यों रखा? इतना इम्पोर्टेंट कॉल नहीं था। फोन नहीं उठाओगी तो बाहर हंगामा हो जाएगा, उठाओ। अरे बाप रे, नानी, गोकुल। कितना प्यार करते हैं ये तीनों तुझसे। Let's start counting. नमो और नानी के इक्वल कॉल हैं और गोकुल का एक कॉल कम आया है, तो फिर गोकुल टेस्ट में फेल हो गया। एक कॉल है की तो बात है, एक रन कम है तो कोई वर्ल्ड कप देता है क्या? मतलब तू वर्ल्ड कप है क्या? Obviously. ये क्या, अब कॉल करके बता रही हो क्या? क्या कर रही हो? गोकुल को कॉल करके कह रही हो कि तुम रिजेक्ट हो गए हो। सच में कुछ नहीं हुआ है नानी, मेरा फोन काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं टच में नहीं रह पाई, बस यही बात है। मुझे फ्रेश होकर बाहर जाना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। लेने मैं मार्केट में आया हूँ। सॉरी। ओए पद्मावती, ठुमकते हुए कहाँ जा रही तू, चला जा। क्यों रे, चमकते हुए जा रही है, किसे कह रहा है? तुम्हें नहीं कहा, अपने डॉगी को कहा। हा? मेरे डॉगी का नाम पद्मावती है, तुमने क्यों मारा? मेरी फ्रेंड का नाम अपने डॉगी को दे दिया।
ओहो, तो तुम्हारा नाम पद्मावती है? जानती है मैंने उसका नाम पद्मावती क्यों रखा? मेरी एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम भी पद्मावती था। उसे मार्केट में, मंदिर में और पब में घुमा के मैंने बहुत पैसे खर्च किए, फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। उसके जाने के बाद मुझे किसी पे विश्वास नहीं, इसीलिए मैंने इसका नाम पद्मावती रख दिया। बस इतना ही। ठीक है, अब कभी नजर मत आना, जाओ। तुम नजर मत आना, लेकिन तुम मिलते रहना, बहुत सुंदर हो। मैं बताती हूँ, चल। कितना बोल रहा था वो, देखा नहीं तूने? उसे यूज करके हम अपना टेस्ट नंबर 2 कर सकते हैं। हाँ? अभी अभी जब हम दोनों टकराए तब हम दोनों के फोन्स बदल गए। उसके कुत्ते का नाम और मेरा नाम एक ही है, वो बहुत जुबान चलाता है। ये तीनों का और टेस्ट से क्या संबंध हो सकता है? टेस्ट नंबर 2, पदों के बारे में कोई अगर गलत बात करेगा तो वो क्या करेंगे? बैलेंस पिक स्क्रीन पर देख रहा। पद्दू कौन? ए, तू कौन है? फोन किसने किया? मैंने। तो फिर बोलेगा कौन? मैं ही। तो फिर बोलो ना। मुझे पद्मावती चाहिए। पद्मावती यहाँ नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ए पद्मावती, तू चुप नहीं रह सकती? पद्मावती नहीं है बोल रहे तो ये पद्मावती कौन है? वो पद्मावती अलग है, ये पद्मावती अलग है। मुझे ये पद्मावती ही चाहिए। पद्मावती नहा रही है, तुम बाद में फोन करना। पद्मावती नहा रही है तो तू क्या कर रहा है वहाँ पे? बेवकूफ हो क्या? पद्मावती को मैं ही नहलाता हूँ। ए पद्मावती को नहला रहा है, तू है कौन बे? इसे मैंने 25,000 में खरीदा है, तो पद्मावती को कौन नहलाएगा? 25,000 में खरीदा है? हाँ बिल्कुल, पहले 30,000 मांग रहे थे, बाद में 25 में मान गए। ए, कहाँ रहता है बे तू? कहीं भी रहो, तुझे क्या? पहले फोन रखो, पद्मावती के बदन पर साबुन सूख रहा है। ए, बहुत जुबान चला रहा है तू, तेरी तो। क्या पद्मावती, उसे इतना क्यों फील हो रहा है? हेलो पद्मावती जी से मुझे बात करनी है। हा? उससे क्या बात करेगा? थोड़ी सी पर्सनल बात है। हा? उसके और तेरे बीच क्या पर्सनल है? आपको समझ में नहीं आएगा। हा? ऐसा क्या काम कर रहे हो तुम दोनों? बोला ना आप नहीं समझेंगे, जरा उनको फोन दीजिए ना। पद्मावती नहा रही है, अभी बात नहीं हो सकती। अगर वो नहा रही है तो तू वहाँ पे क्या कर रहा है बे? अरे तो नहाने के बाद उसका बदन कौन पोछेगा? बदन तू पोछता है क्या? पद्मावती को 25,000 में मैंने खरीदा, मैं नहीं पोछूंगा तो तू पोछेगा? तू है कौन, तू अपना नाम बता। इससे पहले जिसने फोन किया उससे पूछ ले तू। हेलो, रख दिया इसने। ये क्या हो रहा है, तुझे नहला रहा हूँ तो पूरे शहर को फील हो रहा है। हेलो पद्दू। क्यों रे, तुझे भी पद्मावती चाहिए? हाँ जी वो। और कितने लोगों को चाहिए पद्मावती? उसे भी पद्मावती चाहिए, इसे भी पद्मावती चाहिए, और तुझे भी चाहिए। पद्मावती के लिए किसी और ने कॉल किया था क्या पहले? सबसे पहले किसी ने किया था, जब कहा कि नहला रहा हूँ तो उसे फील हुआ, उसके बाद किसी और ने किया, उससे बोला बदन पोछ रहा हूँ तो उसे भी फील हुआ, और अब तुम कर रहे हो। पद्मावती को नहला रहे हो, बदन पोछ रहे हो, क्या कर रहे हो ये सब? क्या भाई, ये क्या बोल रहे हो, तुम नहाने के बाद बदन नहीं पोछते? तू क्यों पूछ रहा है भाई? पद्मावती को 25,000 में मैंने खरीदा है, मैं नहीं तो क्या तू पोछेगा? 25,000 क्या, असल में कह क्या रहा हो तुम? इससे पहले दो लोगों ने फोन किया था, उनसे पूछना, बता देंगे। बाय। हे भाई, उसका एड्रेस मिल गया भाई। ए, हाँ? पद्मावती को नहलाने वाला तू ही है क्या? उसका बदन भी मैं ही पोछता हूँ। पद्मावती का बदन तू ही पोंछता है ना? उसको नहलाने वाला भी मैं ही हूँ, तुझे क्या? मेरी पद्मावती को तू नहलाएगा? तेरा वो हाल करूंगा कि तू नहाना भूल जाएगा। चल परे हट, दोबारा पोंछने की हिम्मत मत करना। मैंने पद्मावती को नहलाया, जब कहूंगा तो मारोगे? उसे पूछा कहूंगा तो भी मारोगे? कुछ भी कहोगे तो मारूंगा। तो शुरू करो ना भाई। मार डालूंगा मैं। जाइए ना सर। अरे बाप रे, तेरी तो अब तुझे कभी नहीं नहलाऊंगा, तुझे क्या मैं भी नहीं नहाऊंगा। मम्मी कहाँ पर हो? आ रहा हूँ। ओके ले लीजिए। हाँ दिख गई क्या? हाँ दिख गई। क्या हुआ, लगता है चोट बहुत ज्यादा लगी है। कल 3 लोग आए थे, बहुत मारा मुझे, आपका फोन लेकर गए और मुझे मेरा फोन नहीं दिया। वैसे वो तीनों आपके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं। तीन तीन बॉयफ्रेंड्स? हाँ। ठीक है ठीक है, तीनों में से ज्यादा पिटाई किसने की? मार खाए व्यक्ति से पूछना चाहिए हॉस्पिटल गए कि नहीं।
तुम लोग पूछ रही हो किसने ज्यादा मारा? चोट बहुत लगी है, हॉस्पिटल गए थे, वो सब ठीक है, पर बताओ किसने ज्यादा धुलाई की? तीनों ने जमकर लात घूंसे बरसाए। आप तो खुश हो ना, कितनी खराब हो तुम दोनों। इंडिया में 500,000 के नोट ही नहीं बैन करने चाहिए, तुम जैसे लड़कियों को भी बैन करना चाहिए। तीनों ने एक जैसा मारा है, मतलब तीनों टेस्ट में पास हो गए, अब क्या करेंगे? लंच करके बाद में सोचते हैं, ठीक है ना? बनाया किसने है? ये टेस्ट ऑफिस टाइम किसके पास है खाना बनाने को? कल से काम वाली रख लेते हैं, वही खाना बनाएगी। अब चलो यहाँ से। घर में कोई है ही नहीं तो काम क्या करूं? अपना प्रोग्राम सेट करती हूँ। घर में कोई नहीं है, जल्दी आ जा। आ गया। Come on. What a magic. मेम साहब, आप तो काम से ऑफिस गई थी इसलिए। मैं अपने काम से गई थी तो तूने यहाँ अपना काम शुरू कर दिया? पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। मेम साहब, आपके पैर पड़ती हूँ, सॉरी, माफ कर दो। तूने अपनी मर्जी से मेरा बेड इस्तेमाल किया, बेडशीट बदली क्या? बदल देती हूँ मेम साहब। तेरी तनख्वाह कितनी है? 5,000। इस महीने 3,000 कट, रूम चार्जेस। मेम साहब, ज्यादा मत बोल, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रोज कितने बजे आती है? 10 बजे आती हूँ। कल से 8 बजे आएगी। मेम साहब, ज्यादा मत बोल, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरे पास 3 बॉयफ्रेंड्स हैं, उन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम आई तो मुझे हेल्प करना होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है आपके पास। शाबाश, तो काम पर लग जा। टेस्ट नंबर 3। पुकु फीवर है। तुम्हारे लिए बेड अरेंज कर दिया गया है, वो आते ही परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देना, ठीक है? कौन से टाइम पर आएंगे वो? नमो को मैंने 10 बजे बुलाया है, गोकुल को 11 बजे बुलाया है, नानी को 12 बजे बुलाया है। तीनों क्लैश नहीं होने चाहिए ना? 10 बज गए हैं, फर्स्ट पार्टिसिपेंट नमो है। फर्स्ट नमो कहा ना तूने? यहाँ तो गोकुल आ रहा है। मुझे सच में बुखार आ जाएगा, मैं जा रही हूँ। मैगी, अब क्या होगा पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डार्लिंग, ये सडनली क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ध्यान रखना चाहिए ना खुद का। अब अचानक से क्लाइमेट चेंज होगा तो कैसे पता चलेगा ना? ठीक है, डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा देर किसी से बात मत करना कहा है। तुम चले जाओ वरना कोई आ गया तो। ठीक है, ध्यान रखना, टेक केयर बेबी, बाय। तुम ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। कौन है वो? मैगी का बॉयफ्रेंड। सिर्फ मुझसे मिलना अच्छा नहीं है ना, इसलिए उससे भी मिल रहा है। सिर्फ मुझसे बात करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उससे भी मिल लो। लीजिए लीजिए। बॉयफ्रेंड हो गया? बताया उसने। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना? बताया उसने। हाय हाय हाय। सडनली बुखार कैसे आ गया? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओह, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था ना। अब अचानक क्लाइमेट चेंज होगा तो कैसे पता चलेगा ना? अब डॉक्टर ने क्या कहा? किसी से ज्यादा देर बात मत करना ऐसा कहा है। तुम चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो। बाय। देखो तुम दवाई टाइम पे खाना, मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा। बाय पद्दू, टेक केयर। थैंक यू। अरे बाप रे, क्या होगा? कौन हो तुम? मैं काम वाली हूँ। वो आदमी कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है। दिखने में तो हीरो लगता है। बेचारे का बुरा टाइम चल रहा है। पुअर टेस्ट। कौन था वो? एक मेरा बॉयफ्रेंड है।
और दूसरा मेरा बॉयफ्रेंड। गुड टेस्ट। वैसे सडनली बुखार कैसे आ गया? क्लाइमेट चेंज। हो ध्यान देना चाहिए ना पद्दो। सडनली क्लाइमेट इतना चेंज हो जाएगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। करेक्ट है। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? किसी से ज्यादा देर बात मत करना ऐसा कहा है। माँ क्यों तुम्हारे पापा ने जो कपड़े भेजे थे अच्छे लगे? हाँ अच्छे लगे माँ, वही पहनी है मैंने। आने का सोचा था पर तूने मना किया ना इसलिए रुक गए। ठीक है माँ, फ्रेंड्स आ गए, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है ओके बाय। बटर स्कॉच विद आलमंड केक रेडी है मैम साहब? आलमंड नहीं बेवकूफ, कहीं की आलमंड। वही तो बोला आलमंड। बर्थडे केक रेडी है क्या? सारे बॉयफ्रेंड्स को बता दिया है ना? नहीं पता, और तू भी मत बताना। ऐसा क्यों? पता चलेगा तो पार्टी करते हैं, बाहर चलते हैं, मंदिर चलते हैं कहकर परेशान कर देंगे, तो शांति से मना लेना तू। हाय। हाय नानी। क्यों नानी इस टाइम पे क्यों आए? कल पद्दू का बर्थडे है ना, 12 o'clock विश करके उसे सरप्राइज देने आया हूँ मैं। 12 o'clock को विश करना सरप्राइज है? पर पद्दू घर में नहीं है, वो बाहर गई है। तो फिर एक काम करते हैं, मुझे घर में कोई रूम दे दो। ठीक 12 बजे मैं बाहर आकर उसे विश करूंगा, वो चौंक जाएगी। ये सुनकर वो क्या, मैं खुद भी चौंक गई हूँ। प्लीज 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 कम। आज तो मैं इस घर को खाली कर दूंगा। गैंग लीडर हूँ रुस्तम गुंडा दबंग। धीरे से ऊपर आ जाओ। ओके। सोचा बड़ी दीवार होगी पर छोटी थी। सामने दीवार पर बाघ है रे, लेकिन तेरे सामने शेर है रे। यहाँ देख। जय पवन स्वामी। स्वामी आपने न जाने इस देश के कितने लोगों के दिल चुरा लिए हैं, अब उन सारे लोगों के घर में मैं चोरी कर पाऊँ ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी। ऐ मैं किसी को फॉलो नहीं करता, जो करता हूँ खुद ही करता। आप ऐसा ही कहते हैं ना, मैं भी चोरों में किसी को फॉलो ना करूं और जो भी करूं खुद ही करूं, ऐसा आशीर्वाद दो स्वामी। ठीक है स्वामी। जब अंधेरा होता है। कोई तो आया। बाप रे बच गया। अभी 2 घंटे बाकी हैं, तुम यहीं पर रुको। हाँ और 2 घंटे यहाँ से निकलना होगा, कहीं और देखना होगा। बाप रे इसकी तरह अगर वो लोग भी आ गए तो क्या होगा? ये यहाँ क्या कर रहा है? आप उनकी बॉयफ्रेंड हो ना? पद्मावती को बर्थडे विश करने के लिए आया हूँ। आप उनके बॉयफ्रेंड हो ना? ठीक है तो चलिए। एक एक करके आए तो मैनेज कर सकते, दोनों अगर साथ में आ गए तो क्या हाथ मैनेज करेंगे? हाय। हम सोच ही रहे थे कि दोनों अगर साथ में आएंगे तो क्या होगा। पद्दू को सरप्राइज देने के लिए। तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए पद्दू ही बाहर चली गई। एक काम करो, रूम के अंदर हमें कहीं पर छुपा दो और 12 बजे हम पद्दू को विश कर देंगे, कैसा लगा आइडिया? ठीक है आ जाइए। उड़ उड़ दबंग 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 दबंग। मैगी मेरा क्या होगा? अरे बाप रे यहाँ भी कोई आ गया। अभी और 2 घंटे बाकी हैं, तुम यहीं पर रुको। इससे पहले यही डायलॉग उसे भी कहा था, यहाँ पे भी काम नहीं होगा। तुम इसी रूम में रहना, बाहर मत आना। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ पे क्या कर रही हो? बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है इसलिए नाखून खा रही हूँ। तो खुद के नाखून खाओ ना, उसके नाखून क्यों खा रही हो? अपना नाखून ऑलरेडी खा लिया है ना, अब इसका नाखून बचा है वही खा रही हूँ। ठीक है अब क्या करें बताओ। उन तीनों को ऊपर छोड़कर ये तीनों नीचे क्या कर रही हैं? मैं उन तीनों से प्यार करती हूँ, अगर उन तीनों को पता चल गया तो हम गए। ओहो ये उस टाइप की नहीं है, लवर्स है। छी मुझसे गलती हो गई, सॉरी बेब्स। आज आपका बर्थडे है ना, कोई भी आपसे नाराज नहीं होगा मैम साहब, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज उनको जाके सच बता दो। हट जाओ। ए कौन है बे तू? चोर हूँ। तो अपने बाप का घर समझ के घुसा है क्या? तो चिल्लाओगी क्या? हाँ चिल्लाएंगे। हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ, जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा तो वो आकर चिल्लाएंगे। चिल्लाओ। यहाँ आओ। नहीं आऊंगी। तो फिर मैं चिल्लाऊंगा। हाथ दिखाओ। अच्छी है। ये क्या मेम साहब, अंगूठी ले रहा, आप कुछ बोल भी नहीं रही। अब ऊपर वो तीनों है तो क्या बोल सकते हैं? क्या बात है स्वामी, आप तो महान हो, भगवान हो। हे लड़की यहाँ आओ, जल्दी आओ, घूम जाओ घूम जाओ, घूमो ना। ए चिल्लाओ नहीं, वो आ जाएंगे।
स्वामी एक महान चोर जैसा करता है ठीक वैसा ही करवा रहे हो स्वामी। आहा, तुम भगवानों के भगवान हो स्वामी। क्या मेम साहब, अनजान आदमी आपके पीछे हाथ डाल रहा और आप कुछ बोल भी नहीं रही। इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आकर मुझे एक चुम्मा दे दो। जी जी जी, चुम्मा मैं नहीं देती। तेरी तो रोज तो क्या करती है, जाकर दे उसे। स्वामी स्पेशल स्थिति में तुमने मुझे स्पेशल पैकेज दिलवा दिया, आप सच में भगवान हो स्वामी। कब से स्वामी स्वामी चिल्ला रहे हो, पहले ये बताओ ये स्वामी है कौन। पावर स्टार पवन कल्याण। मेरे पापा मेरी शादी 6 महीने में करवाना चाहते थे, इसलिए पवन कल्याण जैसा किसी लड़के से शादी करने के लिए इन तीनों को सेलेक्ट किया था मैंने। तुमने लास्ट मोमेंट में आकर सब खराब कर दिया। अगर तुमने मुझे इस तरह से धोखा दिया ना, तो ये पवन कल्याण को धोखा देना होगा। क्या सच में तुम मेरे कल्याण जी की फैन हो। अब देखना मैं तुम्हारे प्यार के लिए क्या करता हूँ। आज रात को 12 बजे तक मैं सब कुछ मैनेज करूंगा। सुनो हट जाओ। अब जो गेम मैं शुरू करने वाला हूँ उसमें एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, साथ में कंफ्यूजन भी है। असल में इस घर में क्या हो रहा है, ये कौन है, ये कौन है, और इसका और इनका संबंध क्या है, यही है ना तुम लोगों का शक। दरअसल ये है कि मैं हाँ बीच में नहीं बोलो। आज हमारे पद्दू का जन्मदिन है यार, सब लोग ऐसे रूम में रहोगे तो कैसे चलेगा, कुछ पूछूंगा तो सरप्राइज कहोगे। 10 साल के बाद सरप्राइज याद नहीं आएगा, एंजॉयमेंट याद आएगा। असल में तुम हो कौन। देखिए आप इन्हें बता दीजिए कि मैं एंटरटेनमेंट करने के लिए आया हूँ, आप जाके इन्हें जो भी कहानी बतानी है बता दीजिए। जाइए 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 जाइए। एक मेरा बॉयफ्रेंड, दूसरा मैगी का बॉयफ्रेंड है। एक मैगी का बॉयफ्रेंड है, दूसरा फ्रूटी का बॉयफ्रेंड है। एक मेरा बॉयफ्रेंड, एक फ्रूटी का बॉयफ्रेंड है। वो सब तो ठीक है, पर तू कौन है बे। इससे पहले मैंने क्या कहा था रे, 10 साल के बाद सरप्राइज याद नहीं आएगा, एंजॉयमेंट याद रहेगा। आई वॉन्ट टू एंजॉयमेंट, आई वॉन्ट दिस एंजॉयमेंट, आई वॉन्ट ए ग्रुप ऑफ अंताक्षरी। हाँ प्लीज सिटिंग। हेड आया पहले तू गा। पहले तो मुझे ये बता कि हेड और मेरा संबंध क्या है। अरे ओ बेवकूफ गधे, तेरे पास हेड है कि नहीं। हाँ है ना। अरे है तो गाना। मैं टेंशन से मर जाऊंगी लग रहा है। फ्रूटी ने जैसा कहा था उन्हें सच बता देते हैं, जरा देखो उसे वो कैसा है। हमें मारेगा तो हम मर जाएंगे, मैं अपने मन की बात बता देती हूँ। अरे वो लड़की अब तुम्हारी बारी, चलो शुरू हो जाओ। क्या बात है, ये लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं, असली बात पता चलेगी तो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे। अरे सब बताऊंगा ना, वैसे जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कौन है बे तू। फिर से पूछा मैं कौन हूँ। मैं तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ, 10 साल के बाद सरप्राइज याद नहीं रहेगा, एंटरटेनमेंट याद रहेगा। आई वॉन्ट दिस एंटरटेनमेंट। तुम गाओ ना। अरे चुप रहने से कोई फायदा नहीं, गाओ। मैं बस बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा तो तुम बाथरूम सिंगर हो। तो लाइव शो में कभी नहीं जाना, गलत है। तू गाएगा तो हफ्ता चलेगा। कौन किसके साथ डांस कर रहा है, क्या चल रहा है, ये मेरी है। कोई भी आ रहा है यहाँ पे, असल में ये है कौन। मेरे भैया हैं। भैया तो फिर ये कौन है। मेरे बड़े भैया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई कैसे हुआ, तुम्हारी तो ये जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर चुपचाप इसे लेके। सुनो सुनो सुनो, सबके डाउट्स को खत्म करने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। वैसे भी 10 साल के बाद सरप्राइज याद नहीं रहेगा, एंटरटेनमेंट याद रहेगा। आई वॉन्ट दिस एंटरटेनमेंट। मैगी असल में यहाँ हो क्या रहा है। एक मिनट, बस हो गया बस हो गया बस हो गया, पद्दू के पते का टाइम हो रहा है, चलो 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 सब लोग चलो। बड़े भैया बहुत अच्छा डांस किया आपने। छोटे भैया आप जो पद्दू के लिए गिफ्ट लाए हैं वो कहाँ पर है। चुप रहो तुम, मैं कहाँ गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग चेन वॉलेट ये सब लाए हैं ना, दे दीजिए। क्या बोल रही हो, मेरे पास कहाँ है ये सारी चीजें। वैसे भी मैं तुम्हारा भाई का, मुझे भाई कहते हैं। नानी पहले इन्होंने कहा था गिफ्ट लाए हैं, अब मना कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ, बिग बॉस की तरह हाथ दिखा रहे हो, क्या करोगे तुम। निकाल निकाल। जब तक निकाल रहा हूँ तब तक तो रुक जाओ। लड़की का भाई नहीं हो ऐसा कहा, पर नहीं दूंगा ऐसा नहीं कहा। चलता हूँ सर, दूसरी जगह जाकर एंटरटेन करना है। क्या कहा। अरे 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 मर जाऊंगा। हाँ पापा। हैप्पी बर्थडे बेटी। थैंक यू पापा। फर्स्ट टाइम मेरे बिना बर्थडे मना रही हो ना। फ्रेंड्स है पापा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे सब कुछ याद रहेगा। हेलो बद्दू की डैडी, क्या घर आ रहे हैं, पास में ही है, नीचे तक आ गए हैं। पदु पदु विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पदु। गनीमत इतना मार खाने के बाद भी विग नहीं निकला। सुनो मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत मरवाया। आप एक साथ तीनों से प्यार कैसे कर सकती हैं? देखो ना कैसे तीनों एक साथ घर पे आ गए। ये सब देख के मेरा सर घूम रहा है, ये सब क्या हो रहा है मैम साहब। वहाँ देखो। ठीक है बाय। क्या हुआ। वो तीनों ही शाम को मुझसे मिलने आ रहे हैं,
तीनों को लाइक लेने के लिए कहा है। अगर वो तेरी बात को अच्छे से समझ पाते तो कितना अच्छा होता। क्या हुआ, तुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? तू अभी किस हालत में, कुछ पता है? वो तीनों तुझे प्यार करते हैं, कितना दिल से चाहने लगे हैं तुझे। तुम्हारी मम्मी ने 6 महीने का टाइम दिया था, वो भी खत्म हो रहा है। कम से कम अभी तो उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लो। तुम्हें लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड करो। तू जैसा कह रही है, मैं आज एक को सिलेक्ट कर ही लूंगी, ठीक है ना? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और मुझे तुमसे कुछ कहना है। इस बारे में फर्स्ट टाइम तुम्हें ही बताना था, इसलिए कब से वेट कर रहा हूँ पद्दू। पहले मैं बताऊंगा पद्दू, प्लीज। बोलो। मुझे एसआई की पोस्टिंग मिल गई। मैं बास्केटबॉल के नेशनल्स में सिलेक्ट हो गया पद्दू। तिरुमाला देवस्थान के सबसे बड़े पुजारी का पद मुझे मिल गया है पद्दू। ये मेरा ड्रीम था, पता है? पता है तुम्हें, मैं बचपन से आज के ही दिन का वेट कर रहा था। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे तुम पसंद हो या गेम पसंद है, मैं तय नहीं कर पाऊंगा। तो फिर तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या करियर। मेरे जितनी इंपॉर्टेंस तुम लाइफ में किसी और चीज को दो, ये मुझे पसंद नहीं। काम में बिजी होकर अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे पाए तो वो हमारे बीच के झगड़े का कारण हुआ तो हम दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है पद्दू। हाय, क्या हुआ? तिरुमाला देवस्थान के सबसे बड़े पुजारी का पद मुझे मिल गया है पद्दू। मुझे एसआई की पोस्टिंग मिल गई। मैं बास्केटबॉल के नेशनल्स में सिलेक्ट हो गया हूँ पद्दू। ये सब तो गुड न्यूज ही है ना, तू इतनी डल क्यों लग रही है? उन्होंने कितनी मेहनत करके अपना करियर बनाया है, तुझसे पागलों की तरह प्यार करने लगे हैं, उनके लाइफ के साथ कैसे खेल सकती है तू? थैंक गॉड तुम सिर्फ लव को लेकर ऐसा सब कर रही हो। अगर फ्रेंडशिप को लेकर ऐसा करती तो तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं रहती। मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो बस मेरे फ्रेंड्स को 3 लड़कों ने धोखा दिया तो सुनने में कैसा लगेगा ये मुझे पता नहीं, पर जेन्युइनली लव करने वाले 3 लड़कों को मेरी फ्रेंड ने धोखा दिया ये सुनकर मुझे बहुत घिन आ रही है। मेरी बेटी ने सिटी जाके 3 लड़कों से प्यार करके उनकी जिंदगी के साथ खेला, तुम्हारी माँ और पापा को अगर पता चलेगा तो जरा सोचो उन पर क्या बीतेगी। बीवी का बेटी की तरह और बेटी का माँ की तरह ख्याल रखा है मेरे पति ने, और उनको ऐसी लड़की मिली। माँ, तुम्हारे घर बेटी पैदा नहीं हुई है बल्कि शत्रु हुआ है, ऐसा कहा था पंडित जी ने। वो बात अब तक मेरे पति को नहीं पता चली। इसके पिताजी कितने महान है ये मुझे आज पता चला। 3 लड़कों से प्यार करती है ऐसा कहने से पहले इतने सालों से प्यार करने वाले तुम्हारे पिता का ख्याल नहीं आया? तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी करवाएंगे ये तुम्हारे पिताजी ने वादा किया था ना,
अब जाके मैं तीनों के साथ घूमती हूँ, ऐसा कहोगी अपने पिताजी से? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूँ, प्लीज प्लीज। तुम इसी वक्त मेरे साथ गांव चलो, तुम्हारे पिताजी ने जो लड़का पसंद किया उसी से शादी होगी। बात वो नहीं है माँ। और कुछ मत कहो, चलो। तो वाह, मेरी लाडली बेटी आ गई। हाँ। वाह, हे पापा शब्द सुने हुए कितने दिन हो गए तुम्हें पता है? हा? क्या हुआ इसे? 6 महीनों में जो लड़का अमेरिका से आने वाला था ना वो नहीं आया। हा? इसीलिए ये इतनी परेशान रहने लगी है आजकल। क्यों बेटा? क्यों इतनी सी बात पर दुखी हो रही हो? पगली गई की। आ जाओ। आओ, तुम्हें अगर उनके घर में कदम रखना होता तो उनकी किस्मत 25 साल पहले उनके घर में कदम रख चुकी होती। उनकी बदकिस्मती है। देखो वहां जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूलकर तुम सिर्फ हाँ कह दो, लाखों में से एक से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। सिर्फ हाँ कह दो। जैसी आपकी। उन तीनों को बिना कुछ बताए यहाँ चली आई, यहाँ तक कि उनसे सॉरी भी नहीं कह पाई। एक बार फोन कर लूँ क्या प्लीज? तुम चली आई हो ना, अब तुम्हारे पीछे कुछ भी बोलते रहेंगे, जाने दो ना, फिर से उनसे मिलना मत, अपनी माँ की बात मान लो प्लीज। पापा आपसे एक बात बतानी थी। बोलो ना। हैदराबाद में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। एक नहीं, 3 गलतियां। तीनों से प्यार कर रही हो यही कहा ना? वो तुम्हारे लिए अपना करियर सैक्रिफाइस करके पागलों की तरह घूम रहे हैं, उनका क्या होगा ये सोचकर दुखी हो? ये सब आपको कैसे पता? पापा हूं ना, पता चल जाता है। मैंने कहा नहीं था ना, तो आपको कैसे पता? पापा हूं ना, पता चल जाता है। पता था तो आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी ना? पापा, तुम्हें मैंने सिर्फ हैदराबाद भेजा, छोड़ नहीं दिया। छोड़ देना मुझसे नहीं होगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया पापा, सब मुझे कुछ अनजाने में। अब तुमने कह दिया ना, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? राघव राव जी। हाँ मैं हूँ, बैठिए। आपने मिलने के लिए बुलाया था, घर में कोई पूजा करवानी है क्या? राघव राव जी, मैं ही हूँ, बैठिए। आप कुछ बात करना चाहते थे? एक और आने वाला है, उसके आने के बाद करते हैं। जी अच्छा। 2 मिनट। वैसे आपको किस बारे में बात करनी थी? बस 2 मिनट। वो देखिए, वो भी आ गया। एक्सक्यूज मी सर, आइए बैठिए। अब तो ये भी आ गया, हमें क्यों बुलाया बताइए ना। परिचय करने के लिए। मेरा नाम है राघव, मैं पद्मावती का वही पद्दू का फादर हूं। पद्दू कैसे है? परिचय खत्म होने के बाद बात करेंगे। आप? आई एम गोकुल अंकल, पद्मावती मेरे पास बास्केटबॉल ट्रेनिंग के लिए आई थी और हमारा परिचय हुआ। सिर्फ परिचय है? एक्चुअली पद्दू और मैं प्यार करते हैं, पर वो सडनली एक हफ्ते से दिखाई नहीं दे रही है अंकल। पद्दू कहाँ है अंकल? आप ये क्या बात कर रहे हैं आप? परिचय होने के बाद बात करते हैं। मेरा नाम नानी है अंकल। पद्दू को जानते हो? हाँ, वो पद्दू और मैं 3 मंथ से एक दूसरे से प्यार करते हैं।
इनको शायद कुछ कंफ्यूजन है मेरे। आप? वो मुझसे प्यार करती है ऐसा उसने मुझे बोला था। नाम? नाम नरेंद्र मोहन शास्त्री। मैंने इस पद्दू से प्रेम किया है, ये उसकी फोटो। क्या आप दोनों भी इसकी बात कर रहे हैं? इसके लिए मैंने सब कुछ न्योछावर कर दिया है। इन दोनों ने भी यही कहा, वही तो समस्या है। ये है मेरी बेटी के कारण जो तुमने खो दिया था, तिरुमला में पुजारी का पोस्ट। उसकी वजह से तुम्हारे करियर स्पॉइल हो गए, इसलिए मेरी बेटी दुखी है। उसका दुखी होना मुझे पसंद नहीं, उसकी वजह से तुम्हारी बर्बादी मुझे पसंद नहीं। इसलिए तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे जिंदगी में स्वीट मेमोरी के तौर पर याद रखोगे या बैड मेमोरी के तौर पर याद रखोगे, तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात ये जरूर याद रखना, ये बात यहीं पर इसी वक्त भूल जाना है। मैंने अपनी बेटी की दूसरी शादी करने के लिए। क्या कहा आपने? दूसरी शादी करवाएंगे? आपकी मर्जी आई, हमें बुला लिया, जो कहना था कह दिया, तीनों को तीन कवर दिए। बद्दू की शादी किसी और से करवाएंगे ये कह रहे हैं। सब कुछ आपको ही डिसाइड करना है, तो फिर हमें क्यों बुलाया आपने? आज तक मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, सिर्फ आपकी बेटी से किया, और किसी ने मुझे धोखा भी नहीं दिया, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे दिया। वैसे तीनों से प्यार करने वाली बेटी को घर पे रख के हमसे क्या बात करने आए हो सर? उसने एक चीज मांगी तो एक पल भी सोचे बिना मैंने इसे सैक्रिफाइस कर दिया सर, यही होता है सच्चा प्यार। हाँ, तुमने सच में प्यार किया है। तुम्हें पता है कि मेरी बेटी तुम तीनों से प्यार करती है, अब तुम्हारे करियर भी तुम्हारे हाथ में ही है, तब नहीं, उसके लिए अब सैक्रिफाइस करो अपने करियर को। उसके लिए जो सैक्रिफाइस करेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। करोगे क्या? तब एक सेकंड भी सोचे बिना फाड़ दिया था ना, अब क्यों सोच रहे हो? तीनों से प्यार करती थी सुनकर प्यार कम हो गया क्या? मेरा प्यार कम नहीं हुआ, तुम तीनों से प्यार की बात सुनकर भी मेरा प्यार कम नहीं हुआ। एक पल भी सोचे बिना तुमसे बात करने के लिए यहां पर आ गया हूं, ये होता है प्यार। प्यार करने वालों के बीच कुछ गलती हो जाए तो गुस्सा गलती पे आना चाहिए, प्यार करने वालों पे नहीं। दूर करनी चाहिए गलती को, इंसान को नहीं। मतलब वो हमारे करियर के साथ खेल सकती है और हम उस पे गुस्सा भी नहीं उतार सकते, है ना? कौन सा करियर? किसका करियर? मेरी बेटी ने तुम तीनों में से एक को सेलेक्ट करने का सोचा। अगर उसने तुम्हें सेलेक्ट किया होता तो तुम्हारा करियर अच्छा और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, इसलिए ऐसा की पोस्टिंग मैंने तुम्हें दिलवाई। इसके बारे में कह रहा था, इस लड़के को ऐसा की पोस्टिंग दिलवा दीजिए, शायद वो तुम्हें ही सेलेक्ट करेगी। इसलिए सेंट्रल मिनिस्टर से मैंने बात की और सिलेक्शन कमेटी से तुम्हें लेटर भी मैंने ही भिजवाया। इसे नेशनल्स के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। ओके सर। तुम्हें तिरुमल में पुजारी का पोस्ट मिला, उसकी वजह मैं हूं। ये लीजिए, इसे पुजारी का पोस्ट चाहिए। तुम सब जो अभी मैं हूं कह रहे हो ना, उस मैं की वजह सिर्फ मैं हूं। अब तक पद्दू को भी नहीं पता, उसके इंजीनियरिंग में फेल होने पर भी उसे वहां पर जो नौकरी मिली उसकी वजह भी मैं ही हूं। जब से वो वहां शहर में गई है उसे हर चीज से मैं ही बचाता आ रहा हूं। मैं तुम्हारा प्यार गलत है ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी बेटी को संभालने के लिए ये प्यार काफी नहीं है। अपनी ये जिंदगी मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, इसीलिए इतने सालों तक मैं उसका अच्छे से ख्याल रख पाया। सिर्फ अच्छे से ख्याल रखने वाला काफी नहीं, उसके लिए मेरी तरह ख्याल रखने वाला चाहिए। ऐसा ख्याल रखने वाला एक है और इस महीने की 3 तारीख को उससे पद्दू की शादी है। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही, तुम्हारी मर्जी से हो रही है। उस दिन आकर तुम सब हां कहोगे तभी ये शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसे प्यार करने वाले हम चारों मिलकर मेरी तरह प्यार करने वाले से उसकी शादी करवाएंगे। मैं तुम सबका रास्ता देखूंगा।
राघव राव जी वो तीनों नहीं आए, अब आप क्या करेंगे? उन तीनों के बारे में तुमने अपने पापा को बताया क्या? बचपन से तुम ही तुम्हारे पापा की दुनिया हो, मुझसे हमेशा कहते थे तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाएंगे। फला फला ने अपनी बेटी को इतना दिया है, हम कितना देंगे अपनी बेटी को, ये पूछते थे हमेशा यही बातें। आज तुम्हारी शादी हो रही है और देखो पता नहीं वो कहाँ है। वो सही सलामत वापस आ जाए, बस यही चाहती हूँ। गलती से अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी शत्रु शत्रु की तरह ही देखूंगी। लाइफ में तुम्हारी मम्मी तुमसे इस तरह से बातें करेंगी, तुमने सोचा था? तुम्हारा ऐसा करना और अपने माँ बाप का दिल दुखाना ये सही है क्या? फ्रेंड हो के मुझे समझ भी नहीं आया, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं समझ पाई, तुम्हारे पागल पिताजी क्या समझेंगे? कम से कम तुम खुद को तो समझ लो। तुम खुद को समझ पा रही हो क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? आज शादी है ना, सब खत्म हो गया। तीनों से प्यार करके किसी और से शादी करने जाओगी तो यही होगा ना? सच है, मैंने तीनों से प्यार किया, उनके साथ मिलकर घूमी, ऐसी हूं मैं। एक लड़की को जो नहीं करना चाहिए वो सब मैंने किया। मेरे जैसी लड़कियां ही लड़कियों का नाम बदनाम करती हैं। मैं सच में बहुत बुरी हूं, पर मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने किसी भी लड़के को शॉपिंग के लिए गिफ्ट के लिए यूज नहीं किया। मैं भी चाहती हूं कि मैं एक ही लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ खुशी से बिताऊं। पर लाइफ की हर स्टेज पर इंसान की पसंद बदलती जाती है, स्कूल टाइम में एक, कॉलेज टाइम में एक, और जॉब करते वक्त एक। ऐसे हर इंसान की लाइफ में दो या तीन लोग रहते हैं, पर मेरी लाइफ में तीनों के तीनों एक ही साथ हैं। मुझे पता है उन तीनों से प्यार करती हूँ ऐसा कहकर मैंने उनके इमोशंस के साथ खेला है। ये शुरू करते वक्त मुझे पता नहीं था कि वो तीनों मुझसे प्यार करने लगेंगे। वो तीनों मुझसे प्यार करने लगे इसलिए मैंने उनका कई बार टेस्ट भी लिया, उनसे दूर होने की कोशिश की, पर वो मेरे और करीब आते गए। अनिश मैरिज में भी तो कई अलग अलग लड़कों के रिश्ते आते हैं ना, तो उनमें से अगर तीन लड़के पसंद आ गए तो किसी की नौकरी अच्छी होती है, तो कोई आपका ख्याल रखेगा, तो किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, ये सब देखने के बाद ही उसमें से जो बेस्ट होगा उससे शादी करवाते हैं ना। मैंने भी तो वही किया। मेरी नजर में एक अच्छी बीवी वो नहीं है जो अपनी शादी के पहले का प्यार भुला कर जिससे शादी हो रही है उसे मन से अपना कर उसके साथ अपना संसार बसा ले। शादी से पहले किसी से प्यार करना क्या गलत है? पर मुझे लगता है मन में जो है मंडप में भी वही होना चाहिए। मैं जिस रास्ते पर चली शायद वो रास्ता गलत होगा, पर मेरा इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। अगर मुझे पता होता ये गलत है तो मैं करती ही नहीं, और भगवान के बनाए हर इंसान से कोई ना कोई गलती होती ही है। बचपन से आज तक मुझे इतना प्यार करने वाले मेरे पापा, उनका सिर सबके सामने नीचा ना हो जाए इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को दुखी नहीं देखना चाहती। मैं अभी इस वक्त ये सब क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी समझ नहीं आया, मुझे बड़ा करने वाली माँ को भी समझ नहीं आया, मुझे प्यार करने वाले मेरे पापा को भी समझ नहीं आया। तो कम से कम मुझे खुद तो समझना होगा ना। Thank you.
मैं तुम्हें इस तरह से शादी के जोड़े में देखूंगा सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो पद्म। तुम्हारा मुझसे जब से परिचय हुआ है तब से हर बात झूठ है पद्म। वैसे ही अगर तुम्हारा मुझसे प्यार भी झूठ है तो मुझे अच्छा लग रहा है पद्म। तुम्हारे पिता के पसंद के लड़के से हम तुम्हारी शादी करवाने आए हैं, लेकिन शादी के बाद तुम खुशी खुशी जिंदगी गुजार पाओगी इस पर हमें संदेह है, और यही चिंता हमें खाई जा रही है। हम तीनों का एक ही डाउट है अंकल, हम तीनों को मना करके किसी और से शादी करवा रहे हो क्यों? इसका सिर्फ एक ही रीजन बताओगे तो हम भी आप ही की तरह खुशी से शादी करवाएंगे इसकी। बेटी 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 पद्दू पद्दू, तू अगर नहीं होता तो इसका क्या होता? क्यों रे बेटी, सारे बच्चे ऊपर हैं, तू तालाब में क्या कर रहा था? उसको कूदते देख के मैं भी कूद गया पापा। अरे पर तू इसे कूदने से पहले ही रोक सकता था। उसका कूदने का मन था अंकल। अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो? बचाने के लिए मैं हूँ ना अंकल। वो मैं ही हूँ, पिता ही है, बचपन से इसे मैंने ऐसे पाला है ऐसे, वो मेरी तरह ही ख्याल रखेगा, उससे करवाऊंगा इसकी शादी। उसके पैदा होने के समय से ही समझ लो पिता उसके साथ है। इससे ज्यादा अपनी बेटी को और क्या दे सकता हूं? उससे एक बार मिलना है अंकल। राजू, मैंने कहा था ना यही है। ओ हाय 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 हे हाय हेलो। ऐसे पूछ रहा हूँ इसलिए बुरा मत मानना। वो हम तीनों से प्यार करने के बाद आपसे शादी कर रही है तो कल फ्यूचर में तुम। इसमें गलत क्या है? वो किससे शादी करेगी ये उसकी ही मर्जी होनी चाहिए, और मैंने 25 साल पहले डिसाइड कर लिया था। बस ये थोड़ा सा टाइम ले रही थी। वैसे भी ये हर काम बहुत सोच समझ कर ही करती है, ये अद्भुत है। तुमसे प्यार का नाटक किया तो तुम पागल हो गए। अगर ये सच में प्यार करती तो क्या होता जरा सोचो। मैं आप तीनों से सच कहना चाहता हूं, आप तीनों पद्मावती से प्यार करते हैं ये जानकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि पद्मावती में वाकई बहुत खास बात है, और इसीलिए मैं इससे शादी कर रहा हूं। बिल्कुल पवन कल्याण जैसा लड़का ढूंढा है।